प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जूझ रहे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। बड़े इलाके में नरमा कपास उत्पादक किसानों की फसल करीब करीब नष्ट हो चुकी है। किसानों की माने तो भट्टू बेल्ट में नरमे की फसल बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुई। करीब 80 से 90 फीसदी तक नरमा कपास की फसल खराब हो चुकी है। किसानों के अनुसार एक एकड़ में सामान्य तौर पर 10 क्विंटल का उत्पादन उन्हें मिल जाता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि एक एकड़ में उन्हें 2 क्विंटल भी उत्पादन मिल जाए तो गनीमत है। इससे 80-90% के करीब नुकसान हो गया। जो फॉल बोगी वो खत्म होगी बिल्कुल, वो जो टिंडे हैं वो गड़ रहे हैं। अब फोआ निकाला निकले भी को नहीं, ये हालात हो रहे हैं। अब 5% बचत हो गई, जमींदार गया 5% ही फोल निकलेंगे कामयाब। ये जो बरसात हो रही है, बरसात के कारण कितना नुकसान है और कितना फायदा है आपको? बरसात के कारण नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। जमींदार बिल्कुल घाटे मारे बारिश। ये सही सलामत फसल होती ना तो 10 क्विंटल से कम 10 क्विंटल की लेके होता, और अभी दिखाना है तो 2 क्विंटल हो जाए अच्छी बात है, किले भी 2 भी नहीं हो इसी हालात में। तो देखो जी, ये बीज जो हमने सरकार के द्वारा लिया हुआ बीज है, ये सरकारी बीज है और बीजा है, और अभी वो खराब हो गया बारिश से, बिल्कुल खत्म हो गया। माने ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे गए, इसकी भरपाई की जाए। क्या नाम आपका? रोहतास। किसानों ने बताया कि उखाड़ा रोग और सफेद मक्खी के प्रकोप के चलते उनकी खड़ी फसल तो तबाह हो ही गई थी, लेकिन अब रही सही कसर भी बरसात ने पूरी कर दी। पिछले दिनों हुई तेज बरसात के बाद खेतों में जलभराव हो गया, जिससे उनकी फसलें खराब हो गई। पहले सफेद मक्खी, फिर उखाड़ा रोग और अब जलभराव ने किसानों की कमर ही तोड़ कर रख दी। अपने जी ये फसल नरमे की लगाई थी और ये फसल पूरी ख़राब हो चुकी है, और इसमें जो सरकार ने दिया बीज, जो वैरायटी दी थी वही लगाई थी हमने, तो और ये पूरी मौसम और बारिश के कारण ये पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। अभी जी अगर ये फसल ख़राब नहीं होती तो कम से कम 10 क्विंटल या 10-12 क्विंटल से ऊपर फसल होती, लेकिन अभी तो ये पूरी नष्ट हो चुकी है। कम से कम 80% नुकसान हो चुका है इसका जी। लागत पूरी हो रही है जी? ना जी, लागत पूरी नहीं हो रही। आपने कितनी बार इसमें, तो आप इसमें खाद कर चुके हैं? इसमें जी 2 बार या 3 बार यूरिया डाल चुके हैं, 3-3 कट्टे तो स्प्रे और DAP और 7-8 स्प्रे कर चुके हैं इसमें। एक किले में कितना खर्चा लग चुका आपका? एक किले में जी 20,000 रुपये करीब खर्चा आ चुका है। तो अब क्या मांग करते हैं जी, क्या होना चाहिए? अब अभी सरकार से मांग ये करते हैं जी कि हमें उचित मुआवजा मिल जाए, कम से कम 20,000 रुपये तो प्रति एकड़ मिलना ही चाहिए जी। अभी तक किसी का दौरा हुआ है जी? यहाँ पर किसी का दौरा नहीं हुआ अभी तक जी। विभाग से जुड़े अधिकारी भी ये मानते हैं कि इलाके में अनेक जगहों पर नरमा कपास की फसल बीमारियों, सफेद मक्खी और फिर तेज बरसात से काफी हद तक प्रभावित हुई है। विभाग की टीमें इन इलाकों में जाकर सर्वे का नुकसान कर आकलन करने में जुटी हुई है। बनगांव, तो इसमें हमारी टीम ने पूरा इंस्पेक्शन कराया, तो इसमें काफ़ी एरिया में जो है आप बता रही है समस्या है, और इसमें कम से 50-55% तक फसलों पर इसमें इस बीमारी से इस पर इफेक्ट हुआ है। तो इसके लिए आज ही मेरी DC साहब से बात हुई, DC साहब के निर्देश आए हैं कि हम एक कृषि विभाग की और एक रेवेन्यू की तहसीलदार के साथ मिलकर एक ज्वाइंट टीम इंस्पेक्शन करेगी, जो DC साहब को इसके बारे में रिपोर्ट करेगी, ताकि इसके उसी के अनुसार आगे की जो कार्रवाई है मन में ली जा सके। ऐसी कोई बात नहीं है, बाकायदा हमारे जो है पिछले वीक भी हमारे जो विभाग के जो अधिकारी हैं, हमारे सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी हैं, हमारे ADOs हैं, BOs हैं, सभी फील्ड में हमने भेजे हैं, मैं खुद भी गया हूँ, तो वहाँ की जो भी सिचुएशन है हम वीकली हम इसकी जो है रिपोर्ट हम हमारे जो मुख्यालय को हम दे रहे हैं। और ये क्योंकि इनमें जो बारिश का स्पेल था 25-26 दिन के बाद बारिश आई थी, तो लंबा जो समय रह गया बीच में, उसकी वजह से वाइट फ्लाई का काफ़ी प्रकोप रहा। इसके अलावा इसमें 2-3 बीमारी या कीड़े और थे, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स बन गया, फार्मर को ये समझ नहीं आ पाई कि वास्तव में समस्या क्या है। कुछ फील्ड में आप देखोगे वाइट फ्लाई की प्रॉब्लम है, किसी में आपकी विल्ट की प्रॉब्लम है, कुछ एरिया में जैसे आप भट्टू साइड में जो राजस्थान का बॉर्डर का एरिया देखेंगे, वहाँ पे हल्की ज़मीन है, वहाँ पे हो सकता है, जैसे मैं महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की बता रहा हूँ,
कि अगर ज़मीन में खाद की मात्रा कम होगी और पौधे पे फल ज़्यादा होंगे तो उस टाइम भी प्लांट सूख जाते हैं। अब किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल का मुआवजा कब तक मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, मोबाइल नंबर 9878678629।